नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं न्यूटेल 40 टैबलेट के बारे में। दोस्तों, न्यूटेल 40 टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा कौन कौन सी बीमारी में दिया जाता है, इसके इस्तेमाल करने का क्या सही तरीका है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट न्यूटेल 40 टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं, इसके इस्तेमाल करने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, न्यूटेल 40 टैबलेट की बात करें तो इसको सिस्टोपिक फार्मास्यूटिकल कंपनी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है। दोस्तों, इंग्रेडिएंट की बात करें तो इसके अंदर टेलमिसार्टन 40 mg इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग इस टैबलेट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, प्राइस की बात करें तो 37 की इस पे MRP होती है, 10 टैबलेट का पूरा एक स्ट्रिप आता है। दोस्तों, बात करते हैं इसके यूज़ के बारे में। इस टैबलेट को मेनली जो इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, दोस्तों ब्लड प्रेशर के कंट्रोल करने के लिए। दोस्तों, यदि किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इस टैबलेट को दिया जाता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर के कारण कई सारी समस्याएं हो सकती हैं। यदि किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसको दिल का दौरा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी समस्या होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में डॉक्टर के द्वारा न्यूटेल 40 टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों, इस टैबलेट को डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। इस टैबलेट का आप खुद से बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। यदि आपको ब्लड प्रेशर जैसी कोई समस्या रहती है तो एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही इस टैबलेट का इस्तेमाल करें। दोस्तों, इसकी डोजेस की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा इसको एक टैबलेट या दो टैबलेट सुबह शाम एक एक टैबलेट डॉक्टर के द्वारा दिया जा सकता है। तो दोस्तों, ये मरीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों, इसके इस्तेमाल करने से कुछ कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। दर्द हो सकता है, वोमिटिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, खांसी हो सकती है। इसके कॉमन से साइड इफ़ेक्ट हैं जो किसी किसी पेशेंट में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, दवाइयों से जुड़ी छोटी मगर महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।